सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के समय न्यूज। पत्रकार हितों की रक्षा के लिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन संकल्पित है। शहराज अहमद कुरैशी। पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर खबरें प्रकाशित करे। काशीनाथ सिंह। पत्रकार सम्मान समारोह में पत्रकारों प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नगर पंचायत परतावल सेंट थॉमस जूनियर हाई स्कूल में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराजगंज इकाई के तत्वावधान में बैठक एवं पत्रकार सम्मान समारोह हुआ संपन्न। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहराज अहमद कुरैशी, विशिष्ट अतिथि काशीनाथ सिंह, पूर्व सांसद प्रतिनिधि एवं अनूप श्रीवास्तव जिला संरक्षक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामचंद्र रावत एवं संचालन जिला महासचिव नवनीत त्रिपाठी ने किया। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक एवं पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शहराज अहमद कुरैशी ने कहा कि संगठन पत्रकार हितों की लड़ाई के लिए कृत संकल्पित है। पत्रकारों की हर समस्या को उठाने के लिए संगठन सदैव तत्परता से कार्य करता आ रहा है। विशिष्ट अतिथि काशीनाथ सिंह ने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर खबरें प्रकाशित करें, जिससे पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष रामचंद्र रावत ने कहा कि संगठन के विस्तार हेतु हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। महासचिव नवनीत त्रिपाठी ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन पत्रकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल पत्रकारों को प्रशस्त पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनूप श्रीवास्तव जिला संरक्षक, अजय पांडे जिला संरक्षक, रामचंद्र रावत जिला अध्यक्ष, डॉक्टर योगेंद्र पांडे जिला उपाध्यक्ष, राजेंद्र गुप्ता जिला उपाध्यक्ष, नवनीत त्रिपाठी जिला महासचिव, करुणाकर राम त्रिपाठी जिला प्रवक्ता, असलम सिद्दीकी प्रधान संपादक यूपी अब तक, दिनेश चंद्र पांडे, राम आशीष विश्वकर्मा तहसील मीडिया प्रभारी, बीजू मोहन के तहसील सचिव, अविनाश मिश्रा तहसील सचिव, महेश विश्वकर्मा तहसील उपाध्यक्ष, संदीप पांडे जिला सचिव, अरविंद पांडे, अनस सिद्दीकी, आकाश रावत, विवेक जसवाल, अमित कुमार मिश्रा, डॉक्टर जावेद अख्तर आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार हितों के लिए सतत संघर्षशील। प्रमोद पासवान। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जमशेदपुर जिला कार्यालय का हुआ उद्घाटन। झारखंड के जमशेदपुर में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जमशेदपुर जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह आदर्श अब्दुल रहीम कॉम्प्लेक्स साक्षी जमशेदपुर में किया गया, जिसमें शहर के सभी गणमान्य उपस्थित हुए। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहराज अहमद कुरैशी के दिशा निर्देश से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अतिथि के तौर पर युवा नेता कुणाल सांडगी एवं विशेष अतिथि के रूप में भोजपुरी गायक सौरभ धवन शामिल हुए। वही मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पासवान, महासचिव देवानंद सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला बीग मधुर सिन्हा, रांची जिला अध्यक्ष सौरभ राय एवं पिंटू जी शामिल हुए। साथ ही शहर के सम्मानित गणमान्य में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शाकिर खान, कपाली वार्ड पार्षद इरफान खान, हिंद आईटीआई के चेयरमैन एवं मानगो नगर निगम के वार्ड एम्बेसडर डॉक्टर ताहिर हुसैन फैजल खान। घरों से जहरीले सांप को पकड़ने वाले शुभम मल्लिक, निशुल्क ऑटो एम्बुलेंस की सेवा देने वाले दिनेश घोष, विकास सिंह आदि को माला एवं
अंग वस्त्र पहना कर गीता एवं हदीस देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री भुवनेश्वर त्रिपाठी जी ने किया। उपस्थित अतिथियों ने पत्रकार के हितों के लिए जिला कार्यालय का उद्घाटन भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं भोजपुरी गायक ने संगीत का कार्यक्रम कर क्षमा बांध दिया। देशभक्ति गीतों से आरंभ होकर होली के गीतों पर सब नाचने और झूमने लगे। साथ ही गुलाल लगाकर सब ने प्री होली मनाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश महिला बिग महासचिव नीतू दुबे, जिला अध्यक्ष राज श्रीवास्तव, वशिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य, उपाध्यक्ष कलीम खान, कमलेश गिरी, कुलदीप चौधरी, महासचिव अभिषेक कुमार, सचिव आतिफ खान, अभिषेक, अजीत, सेसब सरकार, आकाश आलोक शर्मा, अमित राय, अविनाश शर्मा, अविनाश कुमार वर्मा, आशीष, विश्वजीत नंदा, आनंद प्रसाद, जगजीत सिंह, जावेद अख्तर, लक्ष्मण राव, राहुल शर्मा आदि सैकड़ों पत्रकार शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जमशेदपुर, झारखंड। यमुना पार के करछना थाना क्षेत्र में दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के यमुना पार के करछना थाना क्षेत्र में दिल्ली हावड़ा रेल रूट मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पता चलने पर परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करछना कोतवाली क्षेत्र के कचरी गांव निवासी शिवलोचन पटेल खेती किसानी करते हैं। उनकी पत्नी कमला देवी पटेल रविवार शाम 4 बजे घर से खेत में जा रही थी। गांव के पीछे स्थित दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक को कमला पटेल पार कर रही थी। उसी समय अचानक ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से कमला देवी की मौत हो गई। सूचना होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक सैकड़ों ग्रामीण वहां जमा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस और परिजन ने एक्सीडेंट बताया है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से सोमराज वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का एक आरोपी पुलिस इनकाउंटर में हुआ ढेर। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एक हत्यारोपी अरबाज को सोमवार दोपहर नेहरू पार्क के पास इनकाउंटर के दौरान मार गिराया। एसओजी और जनपद पुलिस ने आरोपी के नेहरू पार्क इलाके में छिपे होने की जानकारी के बाद संयुक्त रूप से इनकाउंटर को अंजाम दिया। अरबाज के पीठ हाथ में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अति अहमद के बेटे असद का ड्राइवर था। अरबाजी उमेश पाल हत्याकांड में क्रेटा गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी पहले ही बरामद की थी। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से सोमराज वर्मा की रिपोर्ट। उड़ीसा के पत्रकारिता जगत के पितामह गजेंद्र कुमार मोहंती का निधन। आपको बता दें कि वह कुछ दिनों से बीमार थे और कटक के शांति अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार सुबह 5:30 बजे उनका निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। कटक से उनके पार्थिव शरीर को पुर के स्वर्ग द्वार में ले जाया जाएगा। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वहाँ सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि किया जाएगा। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सहराज अहमद कुरैशी ने उड़ीसा प्रदेश के पत्रकारिता जगत के पितामह गजेंद्र कुमार मोहंती को भावभीनी अश्रुल श्रद्धांजलि दी एवं भगवान जगन्नाथ से उनकी अमर आत्मा के लिए शांति एवं सदगति के लिए प्रार्थना की। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने भी भावभीनी अश्रुल श्रद्धांजलि देने के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, झारसुगड़ा, उड़ीसा।
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com